बैक टू द चैनल यूपी ट्रिप पर बहुत टाइम बाद में दोबारा फोटो कर रहा हूँ। हरी शायद इस वीडियो में करूँगा या फिर अगली वीडियो में करूँगा, देखता हूँ। तो तक रहा ज़्यादा भूखा ही खड़ा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जबर रोशनी कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो जो सारी वीडियो चल रही थी ना अभी तक, सब सब ख़राब हो चुका है। किवाड़ी यहाँ से बस बचा है 10 मिनट का रास्ता, और अपने को 6:15 हो चुका है, जो कि 3:15 से निकला था मैं, मतलब ऑलमोस्ट अपने को 1 घंटे की जो वीडियो थी ना सारी ख़राब हो चुकी है, 1 घंटे वाली वीडियो तो सब मैंने ऐसी डाल दी है, वो उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं है। बहुत मेहनत करी थी मैंने पूरे घर से यहाँ तक की, तो सारा कुछ ख़राब हो गया वो, तो फिर से शुरू करते हैं एक और बार। तो ये तो मैं बता रहा था, अब पीछे मैंने जो भी वीडियो बनाई है सबको बता रहा था कि बहुत टाइम हुआ है कि मैंने व्लॉग नहीं किया है। व्लॉग से मेरा मतलब है कि मोटो व्लॉग नहीं किया है, तो काफ़ी टाइम बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, कम से कम 1.5 महीने बाद मैं आज मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। और फिलहाल भाई जो माइक का मेरा वायर होता है मैंने वो लगाया ही नहीं था, और हम पहुँच चुके हैं किमाड़ी रोड GSR फार्म के पास, एंड यहाँ से मेरे यहाँ से 10 मिनट का रास्ता होगा, तो जितना हो पाए आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो वही संडे का टाइम है ना, तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, मतलब एक ही पीछे कार लगी हुई भाई। तो जी आ चुका है किमाड़ी, और हमें जाना है यहाँ से 5-6 किलोमीटर और आगे, तो ऊपर कहीं पहाड़ी है तो वहाँ पे जाना है, एंड वहाँ से भाई वो व्यू प्यारा सा, एंड लेकिन जगह को देख के लग नहीं रहा है कि वो व्यू मुझे मिलेगा। देखो पूरे बादल आ रखे हैं भाई, एंड लग नहीं रहा कि भाई आज अपने को सनसेट दिखने वाला है, किसी भी हाल में नहीं दिखेगा किसी भी हाल में। तो हमको जा रहे हैं प्राचीन नाग देवता जी के मंदिर, ये भाई साहब वहीं जा रहे हैं शायद, मैंने वैसे कभी आया नहीं इधर, बहुत देखा है मैंने वीडियोस वगैरह में। हाय 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 हाय, ऑफ रोडिंग बहुत टाइम बाद। हाय 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 हाय। तो जी अभी ऑलमोस्ट हम नाग देवता जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं, एंड जिस इसके लिए यहाँ पे आए थे भाई सनसेट, तो अभी तो विजिबल नहीं हो रहा है, बादलों के पीछे छुपा है पूरा अच्छे से भाई ये देखो, लेकिन अभी यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर ऊपर साइड है, एंड वहाँ पे भाई वहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यू, हम आधा घंटा वेट करेंगे क्या पता अच्छा सा व्यू आ जाए, एंड देन उसके बाद हम निकलेंगे घर। ये भाई साहब आए थे मेरे साथ में, मैं बोल रहा चल ले भाई यार, बहुत दिन से बोल रहा हूँ, उसे आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों भाई, काम पैसे कमा रहा है भाई बहुत ज़्यादा ये। बाकी ये ऐसे कुछ है, इसके पीछे भी कुछ सीन आपको बताऊंगा मैं, कि मैं इतने टाइम से मोटो व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, अपने कम से कम अपने को 1.5-2 महीने हो चुके हैं मोटो व्लॉग ना करे हुए, तो अपडेट देना है आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल चलते हैं और करते हैं रोल। तो ऐसा कुछ है भाई, जस्ट गांव आएगा यहाँ पे एक, एंड यहाँ गांव आने से पहले ही आपको राइट मुड़ना है, बड़ी सी एंट्री है मंदिर की, बाकी कुछ चढ़ाई है ऐसी। स्कूटी वगैरह देख के लेके आना, चढ़े ना चढ़े वगैरह, बड़ी कार वगैरह बहुत मुश्किल चढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बैग आने का खतरा है ना। वो सामने दिख रहा है मंदिर वहाँ पे, इनकी स्कूटी चढ़ी नहीं होगी, जो हमसे पहले आ रहे थे वही लोग हैं ना, जो कपल आ रहे थे। तो बाइक के कुछ ऐसे फायदे भी हैं,
तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग, एंड मौसम धीरे धीरे खुल तो रहा है, डर भी है कि क्या पता खुले ना, अपने को जो व्यू चाहिए ना वो भाई यहीं से आने वाला है। तो जी ये देखो यहाँ पे ये रहा नाग देवता जी का मंदिर, एंड सामने भाई सनसेट हो ही रहा है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है जिस वजह से दिख नहीं रहा है। एंड सामने उस जगह से हम आए जहाँ पे किमाड़ी नीचे है, एंड उसके ऊपर हल्का सा ऊपर से रास्ता कट रहा है भाई, तो पूरा साइड से आए हम। एंड मैक्स टू मैक्स अपने को ना किमाड़ी से 5 से 10 मिनट लगे होंगे, एंड हम इस जगह पहुँच गए। व्यू अच्छा है लेकिन क्लाउडी वेदर ना तो बहुत बेहतरीन दिखेगा यहाँ से। एंड साइड में यहाँ पे वही एक मैगी पॉइंट टाइप भी खोला है भैया ने, तो यहाँ पे सारा कुछ खाने पीने का आपको मिल जाएगा। एंड भाई यहाँ देखो भाई क्या ही व्यू है भाई, इतना खूबसूरत है। तो जी हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, और जो कि वही पीछे है ना सनसेट हो चुका है, और विजिबल तो अच्छे से नहीं हुआ लेकिन जितना हुआ ना अपने उसी में मज़े लिए। देखो भाई जा चुका है अच्छे से। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं वापसी, एंड जो अपडेट्स हैं आपको मैं दूंगा अभी बाइक पे पहुंचता हूँ, जो कि सामने बाइक खड़ी है अपनी, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। तो जी अभी उस जगह से वापस आ चुके हैं हम, और सनसेट तुम लोगों को देखने मिला ही नहीं क्योंकि पूरा का पूरा सीन ऐसा कुछ हो रखा था। तो फिलहाल अभी रात होने को आई है, तो जिस बारे में बताना था वो बताता हूँ आपको मैं अभी। तो पिछले 1.5-2 महीने से व्लॉग जो मैं नहीं कर पाया था उसका भी इससे कुछ कारण था, क्योंकि अपनी बाइक ना लग चुकी थी इसी रोड पे आज से 2 महीने पहले, मतलब 1.5-2 महीने पहले। तो आगे का कुछ चीज़ जा चुकी थी, इसका सॉकर वगैरह रिम वगैरह, तो सारा भी कुछ लगाया है। एंड अभी प्लान है कि दोबारा से उतरा जाए बाजार में, और रोडों पर हंस रहा है सामने वो सारी कहानी बताया से। तो आगे इसको करेंगे आने वाले व्लॉग्स में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो फिलहाल तो अभी ये है कि दोबारा कंसिस्टेंसी रहेगी अपने व्लॉग में, वीक में कम से कम 3 बार वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं, जो कि संडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे करके। तो देखते हैं कैसा कुछ होता है, एंड बाद में बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चलते फटाफट से घर, ये जाएगा बीच से कहीं से घर किसे छोड़ देंगे अपने राजपुर रोड में। तो फिलहाल ड्राइव करते निकलते हैं, होपफुली वीडियो चल लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।